प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आइए कमलजीत, आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आपने बुनियाद में सतबीर का रोल बहुत ही अच्छी तरीके से किया। थैंक यू। तो और फिर अब ये बताइए कि ये रोल आपको मिला कैसे? मैंने उससे पहले एक छोटा सा सीरियल किया था जिसका नाम था छपते छपते। जी। वो भी यही लोग बना रहे थे जिन्होंने बुनियाद बनाई। तो जब बुनियाद की कास्टिंग की जा रही थी तो मुझे बुलाया गया, तो रमेश जी ने मुझे कहा कि तुम रोशन लाल का रोल करो। तो उस वक्त मैं उसकी बेसिक कहानी सुन चुका था। मुझे सतबीर के रोल में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नज़र आईं। एज एन एक्टर ज़्यादा करने के लिए था, बहुत कॉम्प्लेक्स रोल था, एक इलेजिटमेट चाइल्ड जो कि दूसरे के यहाँ बड़ा होता है। जी। तो वो मुझे करण का उसमें कुछ रंग लगा, तो उसको करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा। मसलन मुझे 10 किलो वेट अपना कम करना पड़ा, क्योंकि दोनों भाई जो थे मजहर और दिलीप ताहिल, उनसे बहुत छोटा लगना था और मैंने छोटे छोटे बाल करा लिए थे। और 15 दिन में मैं कुछ 1 महीने तक मैं तैयार हो गया था उसके लिए। तो कितने किलो लूज़ किया आपने? 10 किलो। तो उसका फ़ायदा भी हुआ कुछ कि नहीं? उसका फ़ायदा या नुकसान तो नज़र आता है वहाँ स्क्रीन पे। अरे तुमने उन पर कीचड़ उछाली है कि नहीं? ये सब आपका कराया हुआ है श्यामलाल जी, आप घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं। आंसू बहाने में मेरे को कभी कोई यकीन नहीं रहा प्रिंस, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि ये किसका कराया हुआ है और जवाब में तुम्हें क्या करना चाहिए। पहले तो आप ये बताओ कि आपको यहाँ भेजा किसने? मेरी अंतरात्मा। तो कमलजीत, यहाँ आने के लिए भी मुझे लग रहा है आपने वेट रिड्यूस किया होगा, आपको मुझसे छोटा दिखना है ना? नहीं, आजकल तो बल्कि किसी और रोल की तैयारी हो रही। अच्छा, उसमें वेट ज़्यादा बढ़ाना। अच्छा, ये बताइए कि आपसे खैर बेहतर तो ये कोई जवाब नहीं दे पाएगा इस बात का कि एक जो कलाकार है जी, वो एक लंबे सीरियल में तो हिट हो जाता है, और वही कलाकार जो फिल्मी पर्दे पर जाता है तो एक ही सीन में हूट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, कलाकार पे डिपेंड नहीं करता, वो रोल पे डिपेंड करता है, पहली बात तो ये है। और एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि मार्लन ब्रांडो और जैक निकल्सन दोनों एक फिल्म में आए थे जी, जिसका नाम था मिसूरी ब्रेक्स जी, बहुत बड़े डायरेक्टर ने बनाई थी, लेकिन क्योंकि उसकी जो बेसमेंट था, जो उसकी बुनियाद थी, वही बहुत कच्ची थी, यानी कि स्क्रिप्ट से मेरा इशारा स्क्रिप्ट है, तो इट फेल ऑन इट्स फेस द फिल्म, और एक्टर्स कैनॉट राइज अबव द स्क्रिप्ट, ये तो तय है जी। और दूसरी बात यह है, फिल्म जो है एक बार लगती है नहीं चलती, उतर जाती है जी। टेलीविजन पे जो सीरियल आता है वो कम से कम 13 मरतबा तो आता है, तो एक पहली बार नहीं देखेंगे आप, दूसरी बार नहीं देखेंगे, तीसरी बार आप कहेंगे यार देख लो, बेचारा 2 हफ्तों से आ रहा है, इसे देख लो जी, तो आप देखने लग जाते हैं, तो उस वक्त एक्टर पॉपुलर हो जाता है। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जाहिर है, ये भीख मांगने की तरह है भाई। आप किसी को दे देते हैं, बार बार मांगता रहता है, आपकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है 10-5 हफ्ते जो, तो आप दे देते हैं 10 पे जी, लेकिन उसकी शक्ल याद नहीं रहती जब वो निकल जाता है। तो ऐसे ही फिल्म सीरियल्स का है हाल है। ये जो एक्ट्रेस का आपने नाम लिया था, ये साउथ इंडियन है क्या? ब्रांडो और जी। वो जी श्रीलंका नहीं। अच्छा कमलजीत, ये बताइए कि कुछ ऐसा लगता है कि जिन प्रोड्यूसर्स के पास काम है वो तो आपको बुलाते नहीं, और जिनको आप बुलाते हैं उनके पास काम नहीं, तो फिर कमल की जीत कैसे होगी? नहीं, ये किस्सा पुराना इशारा वहाँ पे है, पुरानी तरफ, क्योंकि वो ऐसा हुआ जब मैं नया नया आया, मुझे फिल्में मिली, लेकिन एक डॉक्टर है, MBBS करता है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस खोलता है जी, उस मोहल्ले में उसके 3 पहले पेशेंट आते हैं और वो बेचारे उसके हाथ से मर जाते हैं, तो फिर तो उसको कोई बीमार नहीं आएगा जाहिर है।
तो ऐसे ही मेरी तरफ भी लोगों ने आना बंद कर दिया जी। तो उस डॉक्टर को फिर या तो नया मोहल्ला तलाश करना पड़ता है या नया शहर या नया मरीज। नया मरीज नहीं, नया मरीज तो नए मोहल्ले में मिलेगा ना जी। तो हमारा नया मोहल्ला ये टेलीविजन के रूप में आया जी, जहाँ पे हमने फिर एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई या एक पहचान बनाई। तो अब पुराने मोहल्ले में मुँह छुपा के नहीं जाना पड़ता। नहीं, कहीं इसका ये कारण तो नहीं कि आप इसलिए टेलीविज़न की तरफ आए हैं कि फिल्मों का जो दौर था उसका दम जो है वो कम होता जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर चीज़ का अपना मुकाम है। जब हवाई जहाज की इजाद हुई, जब इन्वेंशन हुई एरोप्लेन्स की, तो उस वक्त रेलगाड़ियाँ तो बंद हुई नहीं थी। रेलगाड़ी आप टीवी को कह रहे हैं या फिल्मों को? नहीं, रेलगाड़ी का सफ़र क्या बुरा है साहब जी, दोनों सफ़र अपनी तरफ से अच्छे हैं। अच्छा, अब जरा आपकी ज़िंदगी की सफ़र की तरफ आएँ जी, कि आपने क्या शादी करने के लिए ना करने का वादा किया था? एक शायर हुए हैं मजाज जी, वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे और काफ़ी हसीन औरतें इधर उधर जा रही थी। तो उनके दोस्त ने पूछा कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो कहने लगे मौका। तो मैं भी मौके की तलाश में था जी, और वो मुझे मिला और मैंने शादी कर ली। और हम इस मौके की तलाश में थे कि आपसे मुलाकात हो और ये बातें हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया था। और अब लग रहा है कि आप इस मौके की तलाश में हैं कि तालियां बजें और मैं घर जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।